नमस्कार बच्चों, आज मैं आप और आपका अभिभावक का सीधे स्वागत करता हूं। और मेरे को यकीन है कि हम जो इंटरनेट से सीख रहे हैं वो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। फिर भी अगर यदि आपको दिक्कत हो तो आप बार बार पूछ सकते हैं। अभी आज मैं जीवन निर्वाह सूचकांक, राष्ट्रीय सूचकांक, IL, IP, IFF का सूचकांक तो सीख गए, उसका छोटा छोटा जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 24, उदाहरण 24 का एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल वर्ष 2014 में गेहूं का मूल्य प्रति क्विंटल का दिया हुआ 1600, वर्ष 2015 के मूल्य प्रति क्विंटल 1800 रुपया था। 2014 के आधार वर्ष मानकर 2015 वर्ष के गेहूं का मूल्य सूचकांक ज्ञात करना हो तो ज्ञात भी करना है और अर्थघटन भी करना है। मतलब अर्थघटन का मतलब क्या होता है, वृद्धि हुई या कमी हुई। तो इसमें है ही नहीं इतना कि 2015 का गेहूं का मूल्य सूचकांक बराबर आई बराबर P1/P0 × 100। P1 का मूल्य है चालू वर्ष का 1800 और P0 का मूल्य है 1400, 2014 का 1600। 1800/1600 × 100 = 112.5। अभी 112.5 ये जो आया, ये मूल्य का अर्थघटन करना। अर्थघटन का मतलब कि इसमें से 100 लेस देन करना है। इस प्रकार 2015 वर्ष को तुलना में 2014 के वर्ष की तुलना में 2015 के गेहूं के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो इसमें 112.5 − 100 = 12.5 की वृद्धि हुई, ऐसा कहा जाता है। अभी दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि लास्ट ईयर के सूचकांक फिशर के सूचकांक से 8/9 गुना है। ये जो है ना, आपको दूसरा जो एग्जाम्पल में लास्ट ईयर का सूचकांक फिशर के सूचकांक से 8/9 गुना है। यदि फिशर का सूचकांक दिया हुआ है इसमें 180, तो पासे का सूचकांक निकालना। आपको पता है कि फिशर का सूचकांक IL बराबर वर्गमूल में IL × IP। इसके पहले जो ये गुना दिया हुआ है ना, तो फिशर लास्ट ईयर का सूचकांक यानी IL फिशर के सूचकांक से यानी IF 8/9 × IF गुना है, तो ये दोनों का गुणा करना। इसके बाद IF जो है IL इसका मूल्य निकालना। IF का मूल्य कितना दिया हुआ है 180, 8/9 × 180 = 9×2 = 20 IL बराबर 180 गया। आपको IF का मूल्य मालूम है, IL का मूल्य मालूम है, तो आपको इस तो लगाओ IF बराबर वर्गमूल IL × IF। इसका 80 है 180, वर्गमूल 160 × IP। अभी IP का मूल्य निकालना हो तो ये वर्गमूल 22 जाने से इसका वर्ग हो जाता है। 180 का वर्ग बराबर 160 × IF IP। IP ज्ञात करना है तो 180 का जो वर्गमूल है हिस्सा ही जाएगा तो वर्ग हो जाएगा 160 × IP। IP बराबर 180 × 100/160, ये 160 है ना, ये नीचे जाएगा, तो IP बराबर 180 × 100 करेंगे तो इसका आंसर 202.5। ये जो दोनों एग्जाम्पल है, उदाहरण 24 का जितना भी एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम एग्जाम में कोई ना कोई एक एग्जाम्पल
आता जाता ना आता ही है। थैंक यू। अभी उदाहरण 24 का ये लास्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 8। यदि तीन वस्तुओं के मूल्य सापेक्ष अंक में हुई वृद्धि क्रमशः पति से मिली, अभी 250%, 265% तथा 300% हो, और यदि उन वस्तुओं के महत्व का अनुपात 8:7:5 हो, तो मूल्य में सामान्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। सामान्य सूचकांक यानी इसमें समूह में दिया हो, सामान्य सूचकांक दो सूत्र है, I/P1/P0×100 और समूह का हो, तो इधर जो 8:7:5 है ये भार W का मूल्य दिया हुआ है, और ऊपर का जो प्रतिशत दिया हुआ है ये डायरेक्ट सूचकांक दिया हुआ है प्रतिशत में, कि 100+250 वृद्धि है। देखो उन वस्तुओं में इतना प्रतिशत हुई वृद्धि, वृद्धि यानी 100% पर गिना जाता है, जितना प्रतिशत देते हैं, इधर एग्जाम्पल 250 दिया है तो 100+ करो तो 350, 200 265 है उसको 100+ करो तो 365, और लास्ट में 300 में 100 करो तो 400। इसलिए प्रतिशत में वृद्धि वस्तुएं ये भी से प्रतिशत में वृद्धि भार और IW, अब भार जो है उसका 875, उसका टोटल 20 आएगा σW, इधर 735 सिग्मा IW, W का टोटल करना, IW का टोटल करना, IW का मतलब है पहला जो मूल्य है 350, 350 गुणा कितना होता है 8, तो 2800 आता है, फिर 365 का 7 गुणा करेंगे 2555 आएगा, और 400 के 5 गुणा 5 करेंगे 20000, ये सबका टोटल 7355 आएगा, 7355 यानी सिग्मा IW ये ऊपर आएगा और 20 है ये नीचे आएगा, बराबर है। अभी आपको पता है कि सामान्य जो सूचकांक है ये सूचकांक में इधर 100 नहीं लिखा जाता है, I/σ IW/W, तो इनका आंसर आता है 367.75%। अभी ये जो प्रतिशत है टोटल आता है, इसमें वृद्धि हुई या कमी हुई इसका जानकारी प्राप्त करने के लिए आधा वर्ष की तुलना चालू वर्ष के उसकी वस्तु की तुलना में का जो मूल्य है उसकी तुलना किया जाए, तो 367.75 - 100 = 267.75% जितनी वृद्धि हुई, ये आपका आंसर है।